जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस की खबरों की। पहले बात कर लेते हैं इनकी हेडलाइंस की। सबसे पहले, भारत विदेशों पर निर्भरता को कम करेगा और अपने ही देश में बने विमान और हेलीकॉप्टरों का यूज़ करेगा। चीन और रूस के सैन्य अभ्यास के बाद जापान अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। अंत में अंतरिक्ष में सहयोग करेंगे भारत और चीन। ब्रिक्स के वर्चुअल नक्षत्र का हिस्सा होंगे इसरो के दो सैटेलाइट। चीन मीडिया ने ऐसा दावा किया है। तो दोस्तों न्यूज को आगे बढ़ाते हुए इन खबर को हम डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हम बात करेंगे पहले खबर की। लड़ाकू विमानों की भांति परिवहन विमान एवं हेलीकॉप्टरों के मामले में भी वायुसेना विदेशों पर निर्भरता न्यूनतम करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत अगले 10 साल में रिटायर्ड होने जा रहे AN-32 विमान और MI-17 हेलीकॉप्टरों की जगह देश में निर्मित तथा तैयार किए गए विमानों को तरजीह दी जाएगी। कोशिश यह है कि मेक इन इंडिया के जरिए विमानों के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। लड़ाकू विमानों की कमी दूर करने के लिए वायुसेना द्वारा 123 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की गई है। इसी प्रकार सुखोई को भी रूस की तकनीकी से देश में तैयार किया जा रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए AN-32 विमानों की जगह C-295 विमानों का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने पिछले साल एयरबस को 56 C-295 विमानों की आपूर्ति का ठेका दिया था, जिसमें से 40 विमानों का निर्माण देश में ही होना था। सिर्फ 16 विमान एयरबस स्पेन में तैयार किया। इसी प्रकार रूस से इंपोर्टेड 200 से ज्यादा MI हेलीकॉप्टर अभी वायुसेना द्वारा विभिन्न परिवहन कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि MI के विकल्प के रूप में भारत में निर्मित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से ही की जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। अमेरिका लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसके द्वारा उठाए गए कुछ हालिया कदम इस बात की पुष्टि भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइना की, वह भी समय समय पर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराता रहता है। अभी हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब जापान में मौजूद थे, जब चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने संयुक्त रूप से उड़ान भरी थी। जानकारों का कहना है कि इस तरह से दोनों देश अमेरिका को अपनी एकजुटता का एहसास दिलाना चाहते थे। रूस और चीन के बमबर्षक विमानों की संयुक्त उड़ान के जवाब में अब जापान और अमेरिका ने जापान सागर के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों की संयुक्त उड़ान को अंजाम दिया है। साफ तौर पर अमेरिका और जापान की तरफ से ये चीन को चेतावनी है कि यदि उसके इलाके में अपनी हदें पार की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जापान के रक्षा बलों ने गुरुवार को कहा है कि बुधवार को अमेरिका और जापान के 8 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। उन्होंने कहा है कि इनमें से अमेरिका के F-16 और जापान के F-15 लड़ाकू विमान शामिल थे। बात करते हैं अंतिम खबर की। ब्रिक्स ब्लॉक के लिए आंतरिक सहयोग पर एक संयुक्त आयोग की स्थापना के बाद भारत और चीन अंतरिक्ष में एक साथ काम करने के लिए करीब एक कदम आगे आए हैं। चीन के आधिकारिक मीडिया के अनुसार बुधवार को ब्राजील, रूस, भारत और चीन के शीर्ष आंतरिक एजेंसियों की एक बैठक में यह तय किया गया है कि दो परिक्रमा करने वाले भारतीय उपग्रह रिसोर्सेट 2 और 2A ब्रिक्स देशों के बीच डाटा साझा करने की व्यवस्था दूर संवेदी उपग्रहों के वर्चुअल नक्षत्र का हिस्सा होंगे। वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अधिकारी चीनी मीडिया के हवाले से बताया कि ब्रिक्स रिमोट सेटिंग कॉन्स्टेलेशन 6 मौजूदा उपग्रहों से बना होगा, जिसमें ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा योगदान दिया गया है। इसमें RCB-RS-4 ब्राजील और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित रूस के कानोप्स वी टाइप और चीन के गाओफेन 6 और Jiang-3-02 शामिल हैं। आपको बताते चले, इसरो ने पिछले साल अगस्त में एक बयान जारी किया था। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रमुख आपदाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसी मानव जाति के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान देगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।